ये तो देखें सामने तो भाई बोल सामने तो कुछ नहीं अस्सलामुअलैकुम सानिया मुनीफ मीन लाइफ स्टॉक की ओनर हूँ और आज हम लोग हसन भाई के फार्म पे आए थे नेजो गोट फार्म पे और माशाल्लाह से इनका एक गोट किड है जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट किया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है रिकॉर्ड क्योंकि लास्ट इनका जो रिकॉर्ड था गोट एयर से इंचज पे वो आई थिंक 43 सेंटीमीटर का था जो हिजाजी ब्रीड का सऊदी अरब में था और उसके बाद इसके अराउंड आई थिंक 48 सेंटीमीटर होगा। ये आप देख सकते हैं ये इसके अराउंड बॉडी लेंथ से भी आगे इसके हमारे से काफी एक्टिव तो इंशाल्लाह क्या हो गया सिम्बा माशा से बिल्कुल ही एक्टिव और ईयर्स बिल्कुल ही इसके ईयर्स बिल्कुल इसके आई थिंक लेंथ से भी आगे तक इसके ईयर्स आ रहे हैं और इसको फिर जो बिल्कुल एक वेलवेटी सा एक कोट है इसका माशाल्लाह से माशाल्लाह सिम्बा के लिए बेस्ट विशेस और इंशाल्लाह रिकॉर्ड में जब था अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड किड का जिसने अटेम्प्ट किया हुआ है जिसका नाम है सिम्बा और ये कराची पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इसको देखने के लिए फर्स्ट लेडी गुलाबी गोट फार्मर सानिया मुनीफ यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि उनको किस तरह पता लगा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किट का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा मिस सानिया मुनीफ, आप तो गुलाबी गोट्स की फर्स्ट लेडी है जिन्होंने गुलाबी गोट्स का शौक स्टार्ट किया, पूरी वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराया। आप सिम्बा को देखने आई हैं, इसमें क्या ऐसी खासियत चीज नजर आई आपको जो आप यहाँ पर नरेजो हाउस पहुँची हैं? इसके क्योंकि अब न्यूज़ पे हर जगह बिल्कुल वायरल इसकी वीडियो तो सब जा रही है, मेरे जो गोट फार्म के पेज पे देखा फिर उसके बाद बाकी न्यूज़ चैनल्स में भी इसकी कवरेज और सब आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए फिर हसन भाई से बात करके इसको फिर देखने रिक्वेस्ट करके देखने। अच्छा इसमें आपको क्या ऐसी डिफरेंट चीज लगी क्योंकि आपने तो काफी गुलाबी गोट्स रखी है और बहुत हाई लेवल की गुलाबी गोट्स रखी है, काफी लंबे ईयर्स में रखी है, तो इसमें ऐसी क्या खासियत है जो उन गुलाबी गोट्स में नहीं है और इसके क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं? इसमें गुलाबी गोट्स के अपने पॉइंट्स हैं बट वो जो हमारे पास मैक्सिमम ईयर्स होते हैं क्योंकि गुलाबी में मेन ईयर्स का ही होता है पॉइंट्स, तो उसमें मैक्सिमम ईयर्स जो हमारे आते हैं वो 26-28 तक जाते हैं और इसमें मार्शल चाहते हैं कि 40 अबव ही लग रहे हैं देखने में, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं कितने लेकिन 40 अबव ही लग रहे हैं। सही, मार्शल से इसका कोट बिल्कुल वेलवेटी सा कोट है इसका, तो लाइन्स तो आप क्या समझती हैं ये जो इसके बड़े शोर हो रहे हैं पूरे न्यूज चैनल्स पर और यूट्यूबर्स भी काफी पहुंचे हैं, सोशल मीडिया वाले भी पहुंचे हैं, वो बोल रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, तो क्या समझती हैं आप, क्या ये पाकिस्तान और कराची के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा या नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने तो आज तक मैं गोट फील्ड में 4 इयर्स हूँ तो मैंने तो कभी भी इंटरनेट पे या कहीं पे भी इस तरह के नहीं देखे। सही, और काफी लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये ब्रीड सऊदी अरेबिया की हिजाजी ब्रीड है, ये उसका किड यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है, आप इस बात को कितना समझती हैं कि सच हो सकती है? अच्छा मैंने हसन भाई का खुद फार्म विजिट किया था तो वहाँ पे मुझे पता है कि उनकी फार्म की होम ब्रीड है क्योंकि आई थिंक ये 3-4 डेज पहले 5-6 डेज पहले 4 जून को 4 जून को तो उस वक्त मैंने इसको देखा था तो इसलिए लग पता है कि इनकी अपनी होम है। यानी आपको कंफर्मेशन है कि ये खुद विजिट करके इंपोर्ट होके नहीं आया? खुद विजिट करके। सही। आप क्या मैसेज देंगी जो पूरी दुनिया से लोग इस सिम्बा किट को देख रहे हैं और इसके चर्चे पूरी दुनिया में चल रहे हैं,
तो इसके हवाले से आप क्या मैसेज देंगी हमारी ऑडियंस को? माशा से ये तो लाइक बिल्कुल ही एक ग्रेट रीड है, और सब दुआ करें कि इंशाल्लाह, क्योंकि अगर लाइक जीतता है इंशाल्लाह अटेम्प्ट जो करते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात होगी। अच्छा, इसके थोड़े ईयर्स आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा करीब लाकर, और यासिर आपकी हेल्प करेंगे। यासिर आप बैंड की हेल्प करो, ईयर्स दिखाओ। इसके ईयर्स एक बिल्कुल इसके आई थिंक बॉडी लेंथ से भी आगे जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, चेक करते हैं इसके ईयर्स भी, चेक करते हैं कि लेंथ आपको चेक कराते हैं। इसकी बॉडी लेंथ से भी पीछे तक, बॉडी लेंथ से भी पीछे आ रहे हैं। आज तक आपने कोई ऐसी चीज विटनेस नहीं की होगी मेरे ख्याल में? मैं मैक्सिमम 28 6 28 तक जो मेरे अपने फार्म पे होते हैं वो 28 इंच तक है, तो ये आई थिंक 40 अबव। माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैं मैडम सानिया मुनीत का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किड जो होल्डर बनने वाला है उसके लिए यहाँ पर अपना उन्होंने कीमती वक्त दिया, और यहाँ पर उन्होंने विजिट किया, और सिम्बा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि इनकी भी यही दुआ है कि सिम्बा कराची और पाकिस्तान के लिए एक फखर बने और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करे। तो उसके हवाले से आपने अभी गोट फार्मिंग में कितना टाइम इसमें स्पेंड किया है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। मुझे अराउंड 4 इयर्स हो गए। ठीक है, आपने 4 इयर्स के टाइम गुलाबी का मीन किया, गुलाबी में आपने 4 इयर्स के टाइम में कभी ऐसा कोई चीज विटनेस की गुलाबी के अंदर या किसी और ब्रीड के अंदर? किसी ब्रीड में इतने, क्योंकि गुलाबी तो मेन फेमस ही इतने इयर्स के लिए होता है। ठीक है, लेकिन इतने लंबे लेग कभी भी इयर्स। और आपने रिसर्च भी बहुत की गोट फार्मिंग में, आपने इंटरनेशनली भी बहुत रिसर्च की है उसके हवाले से, क्या आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी कभी ऐसा किट देखा जिसकी? ये आई थिंक उसके अबव ही है, अबव, तो ये इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह।